गाइस, वेलकम बैक टू रित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो ये वाटरप्रूफ कवर है मैट्रेस का, गद्दे का, और बेडशीट मैंने सुबह उतार के मैं वॉश करके गई थी। ऊपर लेने वाली भी जो बेडशीट्स होती हैं, जो ऊपर लेते हैं, वो भी सारी वॉश की थी क्योंकि मुझे कल जाना है मायके। होपफुली प्लान तो है, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो इधर सारी रित्वी के बेड पर उसकी पैकिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, अलग अलग सॉर्टेड, क्योंकि इस बार थोड़ा सा लंबा ट्रिप होने वाला है। पहले तो पहले भी हुआ था लास्ट ईयर लंबा ट्रिप, लेकिन इस बार थोड़ा सा लंबा ट्रिप होने वाला। तो मुझे था कि रित्वी का कोई असेंशियल ना रह जाए, फिर उसका होमवर्क भी है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने होमवर्क उसका फिनिश करवा लिया है, कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं। और बेल बज गई, पहले मैं ये देखती हूँ कौन आया है। तो कोई आया था, मैं अभी आई थी शॉप से। आते ही मैंने कुछ कपड़े थे उनको धोने के लिए डाला, क्योंकि सुबह जाना है और कहीं पे भी जाने से पहले मैं घर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा अरेंज करके जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने सुबह भी क्लीनिंग कर ली थी। बेडरूम वगैरह तो क्लीन था, मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें क्लीन ही होती हैं। ऐसा होता ही नहीं कि कहीं गंदगी हो। डीप क्लीनिंग कर लूँगी, आके बाद में करूँगी। तो पीछे सारा पैकिंग का सामान है, जो जो मुझे लेके जाना है, और कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो करनी है, वो चीज़ें लेके जानी है। मैंने सोचा हुआ है क्योंकि आजकल मैंने कमर कस ली है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना 100% देना है। क्योंकि जब भी मैं सक्सेस की तरफ बढ़ती हूँ ना, तो मेरी बीमारी मुझ पे हावी होती है। पता नहीं, मुझे ज्योति कहती है कि भाभी आपको नज़र लग जाती है, बट चलो पता नहीं ऐसा है कि नहीं। जैसे ही मेरी शुरुआत हुई थी ना यूट्यूब पे सक्सेस की तरफ जाने की, फर्स्ट ईयर में ही जब मेरे थाउजेंड्स पूरे हुए थे या मेरा चैनल मोनोटाइज हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, तभी मेरे को स्टार्टिंग में ही डिप्रेशन हुआ था और मैं 3 महीने का मैंने ब्रेक ले लिया था। उसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो नीचे चला गया था। फिर ग्रो होता है, फिर मेरी ब्रेक हो जाती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने ब्रेक नहीं लेनी, मैंने मतलब पूरी मेहनत करनी है। क्योंकि जहाँ हम मेहनत करते हैं ना, वहीं से हमें कुछ मिलता है, अदरवाइज़ बिना मेहनत के मुझे लगता है कुछ नहीं मिलता। देखते हैं। तो बेडशीट अभी बिछाऊंगी, पहले पैकिंग की चीज़ें कर लेती हूँ। और खाने में आज थोड़ा सा सिंपल ही खाना बनाएंगे, देखते हैं। पुलाव बना लूँगी मैं अपने लिए और हरिती के लिए। ज़्यादा मुझे भाग दौड़ नहीं करनी है। वॉशरूम वगैरह मैंने सुबह ही अच्छे से क्लीन कर लिए थे, उनमें मुझे कोई काम नहीं है। कपड़े धोने, मतलब और कोई मैंने आज काम शाम के लिए रखा ही नहीं है, सब कुछ मैंने किया हुआ है। बस मुझे पैकिंग पे फोकस करना है, क्योंकि लंबा थोड़ा सा ट्रिप है तो कुछ चीज़ें मिस ना हो जाएं। क्योंकि रित्वी जिस तरह से उसकी रित्वी की परवरिश हुई है ना, एक भी चीज़ रह जाए मुझे भी बहुत गिल्ट होता है। और उसको बहुत सारे टॉयज लेके जाने होते हैं, बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी की चीज़ें लेके जानी होती है। मैं आपको दिखाऊंगी, अजब गजब उसने पेपर्स ही रखे हुए हैं एक पॉलीथीन भर के, जो उसको लेके जाना है। और हमारी गाड़ी जो है वो छोटी पड़ जाती है जब हम सामान लेके जाते हैं। तो भाई लेने आएगा कल, बहुत खुशी है, छोटा भाई लेने आएगा। बड़े भाई तो कैनेडा में बैठे हुए हैं, वो मुझे कभी नहीं लेने आए। मेरी शादी के बाद ना 2-3 बार ही लेने आए हैं, क्योंकि वो पहले चंडीगढ़ में रहते थे, फिर बेचारे कनाडा में चले गए, तो लेने कब आएंगे, है ना। तो फिर वो ऐसे आते थे, वो उधर जब चंडीगढ़ में रहते थे वो उधर से आएंगे मम्मी में, मम्मी घर, और मैं इधर से जाऊंगी। हम दोनों फिर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते थे, आई मिस। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, कमर कसते हैं। आज ना वैसे दिल नहीं है मेरा, मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी भाग दौड़ में भाग ही रहती हूँ। हर चीज़ को परफेक्टली मैनेज करने में भाग ही रहती हूँ। परफेक्टली मैनेज भी होती है मेरी चीज़ें, मैं खुश रहती हूँ क्योंकि हर चीज़ मिलती रहती है। बट एक अंदर ना मेरे लोनलीनेस है, और मैंने ना आज पहली बार आंखों पे अपने आप आईलाइनर लगाया था। ये देखिए, एक ही लाइन लगाई थी, मुझे ना आईलाइनर लगाना नहीं आता, मेरे से लगता ही नहीं है, हाथ कांपते रहते, पर आज मैंने फर्स्ट स्ट्रोक में लगा दिया। तो चलिए बातें बहुत होगी, शुरू करते हैं आज के काम। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मम्मी को कॉल लगाई कि मैं पूछ लूँ कि कल के दिन भाई आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि वो घर में अकेला है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और डैडी जी बीमार रहते हैं तो कभी भी उसको मतलब वो बिज़ी हो जाता है उनके साथ। तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ। तो मम्मी सेड कि इसमें पूछने वाली क्या बात है कि वो मुझे लेने आएगा कि नहीं, ये क्या तूने बात कर दी, और यहीं पे मेरी क्लास लग गई। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गॉसिप लंबा चला गया, क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटियाँ आई हुई थी तो वो भी 1 by 1 मेरे साथ बात करने लगी, क्योंकि सब पापा को देख के बहुत चिंतित रहते हैं और सब मतलब आते रहते हैं पापा के पास। बस एक मैं ही हूँ जो बहुत टाइम से जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर हूँ और अपने घर की जिम्मेदारियाँ हैं, शॉप की जिम्मेदारी है, दैट्स वाई मैं इतना बार बार नहीं जाती। लेकिन इस बार जाऊँगी तो मतलब 7-8 दिन का स्टे है मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा लंबा इस बार रह के आऊँगी। पहले भी मैं वैसे 7-8 दिन हरित्वी की छुट्टियों में रह ही लेती हूँ, लेकिन अब बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ और
बहुत, आप बोल सकते हो कि बहुत बोलते हो कि आपका काम बहुत है, आप अकेली जान हो, तो बस मतलब होता है ना, इतने मुश्किल भरे हालातों के बाद मेरे भी सुकून के पल आने वाले हैं, मैं भी थोड़ा सा सुकून ले लूँगी। वैसे तो मैंने सोचा हुआ है कि इस बार मैं मम्मी पापा की सेवा ज़रूर करूँगी जितना हो सके, मेरे से थोड़ी सी हेल्प उनकी ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ मम्मी करने नहीं देती है, बट इस बार ज़रूर कोशिश है। और यहाँ पे हरित्वी की दवाइयाँ सारी पैक हो रही हैं जो भी हरित्वी की ज़रूरत होती है। भगवान की दया से अभी पृथ्वी की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है, उसकी मेडिसिन जो हैं बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ उसकी छोटी से छोटी चीज़ जो है हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इधर उधर ना भागना पड़े। और यहाँ पे ये बैग है जिसमें मेरा थोड़ा सा यूट्यूब का सामान, थोड़ा सा मेकअप का सामान, थोड़ी सी हरित्वी की खाने पीने की चीज़ें, ऐसी वैसी चीज़ें जो जाएंगी, और बाकी तो मैंने सारे अपने बड़े बैग में कपड़े डाल लिए थे। गर्मियों में भी बहुत सारे कपड़े लगते हैं, और बच्चों के तो साथ आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये ओडोमोस का रोल ऑन है जो मॉस्किटोज से आपको बचाता है, फैब्रिक रोल ऑन है, तो वो मैंने रखा, मैं नया ही लेके आई थी और कल परसों, पिछले वाले उसके ख़त्म हो गए थे, तो बस यही पैकिंग चल रही थी। यहाँ पे खाना तो हमें सिंपल ही रखना था क्योंकि अभी आपको पता ही है शाम को थक जाती हूँ मैं, और मेरा कोशिश होती है कि जितनी जल्दी काम निपट जाए उतनी जल्दी निपट जाए, तो बस यहीं पे वही पैकिंग चल रही थी और सारे काम ख़त्म हो गए, खाना वाना खा लिया, हरित्वी को सुला दिया। हरित्वी बहुत खुश है, पता नहीं उसको रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे पैकिंग डन, ये शूज़ मुझे सुबह पहनने हैं, ये उसकी दवाइयाँ, मेरा फेस वॉश वगैरह सब पैक है, इसमें उसके कुछ खाने पीने की चॉकलेट्स वगैरह, जो क्योंकि हरित्वी को बाहर से कुछ नहीं दिया जाता खाने के लिए, जो भी चीज़ें उसकी एक पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो उसे सूट करती हैं वही रखी जाती हैं। और ये सारा सामान हरित्वी ने अपना ना मेन डोर के पास भी रख लिया था, जो उसके टॉयज़ वगैरह, उसकी आर्ट वगैरह चाहिए उसे। गाइस वेलकम बैक टू पृथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना एक लाइट, वैसे यहाँ पे एक ही लाइट जली हुई है, किचन की कोई भी लाइट नहीं जली हुई। यहाँ ही हमारे घर में ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ठीक ठाक लाइट आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो वी आर रेडी। हम कहाँ जा रहे हैं बाबू? नानी हाउस। हम दोनों रेडी हो गए हैं और भाई की कॉल आ गई थी, चलते टाइम उसने कॉल कर दिया था। वहाँ से यहाँ पहुँचने में ना 1 घंटा 15 मिनट लग जाते हैं ना, तो मैं ये क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ से यहाँ आने में ना 1.25 घंटा तकरीबन लग जाता है, तो वो चल पड़ा जब वहाँ पे, वहाँ से तो उसने हमें कॉल कर दिया था। तो उसके बाद हम दोनों रेडी हुए हैं, घर को मैंने एकदम क्लीन कर दिया, बस किचन को अब रैप अप करूँगी। क्लीनिंग तो इसकी प्रॉपर है, मैंने डाला है जंप सूट, और इसका हॉल जल्दी ही मेरे चैनल पे आने वाला है। मे बी पहले आ जाएगा या बाद में आएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सिर्फ 390 या 360 में ऐसा कुछ था, मतलब जितनी भी मैंने ड्रेसेस दी हैं वो 350 और 400 के बीच बीच ही हैं, तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। और मैंने इसके साथ शूज़ को पेयर किया, मैं बाद में आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ना इस तरह से तैयार होकर जा रही हूँ मम्मी घर, मतलब मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ इस बार, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि तू ना बस, हमने कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, सियानी हो जाएगी, जिम्मेदारी में फंस जाएगी। और मेरा भाई बोलता है तू ना आंटी बनती जा रही है। दैट्स वाई मैंने अपने लुक को दोबारा वैसा किया है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और मैंने आज पहली बार ना आई लाइनर, पहली बार नहीं, आज मैंने तीसरी बार लगाया। पिछले कल मैंने ब्लैक लगाया था, उससे पहले लास्ट संडे मैंने लगाया था ग्रीन, और वो अच्छा नहीं लगा था, ब्लैक ठीक ठाक लगा था, लेकिन आज ब्लू मैंने परफेक्ट लगाया। मैं सीख रही हूँ, मतलब जो मुझे नहीं आता है ना वो मैं सीख रही हूँ। तो जल्दी से मैं किचन रैप अप कर देती हूँ, किचन मैंने सारी साफ कर दी है। मायके जाने की खुशी तो आप सब समझ सकते हो, मायके जाने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है, और उस खुशी के आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं घर के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो घर की साफ़ सफाइयाँ प्रॉपर करके जा रही हूँ, गैस स्टोव वगैरह सब क्लीन होगा, नीचे से गैस बंद होगा, लाइट्स वगैरह ऑफ होगी, ये तो हम सब भी करके जाते हैं, लेकिन मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग मुझसे जितनी हो वो करके जाती हूँ, सारे बर्तनों को जमा के जाऊँगी, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, और आके भी मैं सारी सफाइयाँ जो है वो दोबारा करती हूँ। घर मुझे ना लग सा गया है, मैं कहीं रहती हूँ ना तो 2-3 दिन आराम से रह सकती हूँ, और मायके में मैं आराम से रह सकती हूँ 7-8 दिन, ऐसे कुछ वो नहीं है, लेकिन जब हम घूमने जाते हैं या कहीं और तो मैं रह ही नहीं सकती, जाते भी नहीं हैं हम कहीं और रहने के लिए, तो मुझे घर की याद बहुत आती है। और घर जाके सबसे पहले मेरा काम ये होता है सफाइयाँ, तो मिस्टर बहल कहते हैं तुझे घुमाने लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आके तू डबल एनर्जी जो है वो अपनी वेस्ट कर देती है घर की सफाइयों में। तो हरित्वी बहुत खुश थी, यहाँ पे बार बार बोल रही थी मामू क्यों नहीं आए, मामू क्यों नहीं आए,
तो सारी चीज़ों को समेटने के बाद यहाँ पे मैंने और हरित्वी ने थोड़ा सा फोटोशूट किया। भाई आ गया था 10 बजे के करीब और हम लंच टाइम तक मम्मा के पास जो है वो पहुँच गए थे। और लंच में बनी थी हरित्वी की स्पेशल चना दाल, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे लिए अभी कुछ स्पेशल बना था, मेरे लिए स्पेशल बना था मेरा रायता, जो मुझे पसंद है मम्मी के हाथ का। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो, और ये चना दाल चावल बने थे और साथ में मेरा रायता बना था। ये ना लौकी और कद्दू का मिक्स रायता होता है और इसमें सारी वो चीज़ें होती हैं जो फैट लॉस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, हालांकि मुझे ज़रूरत तो नहीं है। और ये चपाती मैं खा रही थी लंगर के जैसे। और ये शाम का समय है जब मैं गुरुद्वारा माथा टेकने जा रही थी। आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ के व्लॉग, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।